हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। बैंगन जलाकर फिर उसका भरता बनाएंगे। ये भरता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है दोस्तों। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 1/2 किलो बैंगन अच्छे से धोकर साफ टॉवल से पोंछ लिया। अब एक कांटा चम्मच लेंगे, मतलब कि फोर्क लेंगे, और ऐसे छेद कर देंगे। अच्छे से अंदर तक घुसा के छेद करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और बैंगन के ऊपर से अच्छे से इसको लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, बैंगन जलाने के बाद छिलका अच्छे से निकल जाएगा। हो गया सारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, कैसे जलाना है। आपके पास अगर रोटी सेकने का ग्रिलर या तो ओवन का ग्रिलर हो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नेट में पुराना वाला इंडक्शन पर यूज़ करती थी नॉर्मल यूटेंसिल यूज़ करने के लिए, वही ले रही हूँ मैं। देखिए, इसके ऊपर ऐसे गैस के ऊपर रखना है और ये जो ग्रिलर मतलब नेट, इसके ऊपर बैंगन को ऐसे रख देना है। इससे क्या होता है कि एक साथ दो दो तीन तीन हो जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घुमा देना है थोड़े थोड़े देर में। ये गया एक प्रोसेस, मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ। एक पकड़ से बैंगन का डंठल पकड़ना है और आग के ऊपर इस तरह से पकड़ के रखना है। जैसे ऐसे पकता जाएगा बैंगन, वैसे वैसे आपको भी बैंगन को घुमा घुमा के पकड़ना है, ऊंचा करके ही रखना है। ये गया दूसरा प्रोसेस, अब तीसरा दिखाती हूँ। ये देखिए, डायरेक्ट बर्नर के ऊपर रख देना है। इसमें कोई झमेला नहीं, कुछ सोचना नहीं है कैसे करना है क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट रखना है और डंठल पकड़ के ऐसे घुमा देना है। ये सबसे इजी है। देखिए, ऐसे करके आराम से पक जाता है। चलिए ऐसा करके हम सभी बैंगन को जला लेते हैं। देखिए, मैंने जला लिया है दो तीन। हाथ से थोड़ा दबा के चेक करना है कि अच्छे से पका है कि नहीं। अंदर से पक चुका है अच्छे से। अब हम इसका प्रोसेसिंग करेंगे। देखिए, ऐसा करके छिलका बहुत अच्छे से निकल आता है, आराम से छिलका निकल जाता है। ऐसे करके सारे बैंगनों का छिलका हम निकाल देंगे। और ये जो डंठल जुड़ा है, इसको हम चाकू से काट लेंगे, काट के फेंक देंगे। मतलब डंठल फेंकेंगे, बैंगन को नहीं फेंकेंगे। मजाक कर रही हूँ। और एक भी छिलका दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आराम से निकल आता है। ये हमने जो ऊपर से तेल लगाया था, इसके वजह से इतने अच्छे से ऊपर से निकल आता है। लेकिन आपको सच बताओ दोस्तों कि मैं जब करती हूँ घर में बनाने के लिए, तो ऊपर से ये तेल मैं नहीं लगाती हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। मैं तेल क्यों नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर से ये छिलका मैं निकालती ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरे घर में ये ऊपर का जो जला हुआ छिलका होता है, इसका जो खुशबू है, इसके जो फ्लेवर है, ये बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन मुझे पसंद है, इसलिए आपको भी पसंद होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है, आप अच्छे से आराम से इसको निकाल सकते हैं। अभी जितना मैंने निकाल लिया है, इतना तो मैं फेंक देती हूँ। और भी मेरे चूल्हे पर जल रहा है, मतलब गैस पर, उतना मैं नहीं निकालूँगी। इनको मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट ही इसका डंठल निकाल दूँगी और थोड़ा चेक कर लूँगी कि अंदर कीड़े हैं कि नहीं, और मैश कर दूँगी। देखिए, अंदर कीड़े नहीं हैं। अब क्या करना है, एक काटा चम्मच मतलब कि फोर्क लेना है और इनको अच्छे से मैश कर लेना है। आप मैशर भी ले सकते हैं, आलू मैश करने वाला जो मैशर होता है वो भी ले सकते हैं। अच्छे से मैश करना है। आपको थोड़ा सा चंक्स पसंद है तो ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे भी आप करें। देखिए, बाकी कभी मैंने ले लिया है, डंठल निकाल देते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार। हर बैंगन को चेक करना है कि अंदर कीड़े हैं कि नहीं, और उसके बाद मैश करना है। देखिए, सभी ठीक है, अच्छे हैं, कीड़े नहीं है किसी में भी। अब अच्छे से मैश कर लेते हैं। देखिए, मेरा तो हो चुका है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन बिठाया है, तेल डालते हैं। अपनी पसंद अनुसार तेल डालें, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, जैसा पसंद है वैसा डालें, कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तेल गर्म हो गया कि हम लहसुन डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का लहसुन लिया है, पूरा ही काट लिया, बारीक साइज़ में छील कर काटा है। और लहसुन को थोड़ा लाल करके फ्राई करना है।
देखिए लाल हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। देखिए दो बड़े साइज़ का प्याज है, बारीक काट के रखा था, डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई करते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर होने लगा है। अब हम थोड़ा हल्दी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच। यहाँ पर हल्दी इसीलिए डाला है मैंने, और भी लेट करके डाल सकते थे लेकिन पहले ही डाला क्योंकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए हल्दी का कच्चापन भी ख़त्म हो रहा है और प्याज भी थोड़ा ज़्यादा लाल दिखने लगा है। अब हम इसके साथ साथ हरी मिर्च को भी फ्राई करेंगे क्योंकि हरी मिर्च से भी कच्चा स्वाद नहीं आना चाहिए। हरी मिर्च डाल देते हैं, बारीक काट के रखा था। आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, जितना तीखा चाहते हैं उतना डालें। देखिए सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके साथ साथ टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी इनके साथ साथ अच्छे से फ्राई करना है। टमाटर का सॉसी टेक्सचर नहीं चाहिए हमें, लेकिन सॉफ्ट होना ज़रूर चाहिए। सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से पक जाए। साथ साथ मैंने डाला है आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से टमाटर अपना पानी छोड़ देगा और उस पानी की वजह से धनिया पाउडर जलेगा नहीं। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर जो भी हो, कुछ भी मसाला जलेगा नहीं। देखिए अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। देखिए पक चुका है, ऊपर से देखकर समझ आ रहा है। अभी हम मैश किया हुआ बैंगन डाल देंगे। डाल देते हैं सब और अच्छे से मिला लेते हैं। बैंगन को तो पकाने वाली कोई बात है नहीं, बैंगन पहले से ही पके हुए हैं। मसालों के साथ बैंगन को मिलाते टाइम मैंने हीट बिल्कुल लो कर दिया था, अभी थोड़ी देर के लिए हाई कर रही हूँ ताकि इसका जो पानी पानी भाव है वो चला जाए और थोड़ा सा टाइट लगे। भरता थोड़ा सा गाढ़ा टाइट टाइट जैसा अच्छा लगता है ना। हो चुका है, अब हीट बंद कर देते हैं और चलिए सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनकर रेडी है। आप भी इस तरह से बैंगन का भरता बनाकर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इस तरह से बैंगन का भरता बनाकर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।